सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द गीकी मॉक में। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी वाली खबर आ रही है कि भैया मार्क जुकरबर्ग ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने तीन बड़े एप्लीकेशन इंस्टाग्राम मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप को वो मर्ज करेंगे। और इसके पीछे कारण क्या है, और भाई ये अगर हो जाता है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ में अगर ये होता है तो कब तक ये होगा, तो ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्क जुकरबर्ग के भैया सबसे बड़े डिसीजन के बारे में। भैया कारण क्या है और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि भैया मार्क जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक ने सबसे पहले परचेज किया था इंस्टाग्राम को 2012 में, वो भी भैया $715 मिलियन में। और उसके बाद तो इन्होंने तहलका ही मचा दिया था व्हाट्सएप को परचेज करके, और वो भी $19 बिलियन में। दोस्तों सोचिए इतनी बड़ी डील थी ये। और इसके बाद दोस्तों अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये तीन मैसेंजर ऐप्स यानी कि फेसबुक मैसेंजर ऐप, इंस्टाग्राम मैसेंजर ऐप और व्हाट्सएप मैसेंजर ऐप को एक सिंगल ऐप में कंबाइन कर देंगे। दोस्तों इसके पीछे जो ना खबर आ रही है इंटरनली, वो ये आ रही है कि कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव ग्रुप्स थे जो कि फेडरल ट्रेड कमीशन से ये ना डिमांड कर रहे थे कि ये जो तीनों ही ऐप है इनका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो तीनों को सेपरेट कर दिया जाए। तो भैया मार्क जुकरबर्ग ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ में एक और रीज़न है। दोस्तों फेसबुक एक्चुअल में चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा शेयरिंग हो, जिससे कि उनके पास ज़्यादा डेटा कलेक्टेड होगा और वो आपके हिसाब से आपको ऐड शो वो कर सकेगी। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा डेटा इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करना चाहती है यूज़र्स के बारे में, ताकि ज़्यादा प्रोग्रेसिव और ज़्यादा जो है सही तरीके से वो एड्स आपको दिखा पाए। तो दोस्तों ये भी एक उनका इंटेंशन है। और साथ ही साथ में दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भाई काफ़ी लोगों को इसमें ना काफ़ी बेनिफिट भी होगा, क्योंकि तीन अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं जो पड़ेगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि भाई तीनों ही एप्लीकेशन अगर मर्ज हो जाएंगे तो आप व्हाट्सएप से फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो केवल जो आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप वाले दोस्त हैं केवल उन्हीं को आप शेयर कर पाएंगे। और इसका एक और बेनिफिट है दोस्तों, भाई व्हाट्सएप और फेसबुक के जो मैसेजेस होते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन जो इंस्टाग्राम मैसेंजर था उसके जो है जो मैसेजेस थे वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ में नहीं आता था। तो भैया अब जो है वो भी चीज़ हो जाएगी, वो भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होंगे और ज़्यादा जो है प्राइवेटली आप चैट कर पाएंगे किसी के भी साथ में। तो ये भी एक इनका मोटिव था। तो दोस्तों अगर हम लोग बता दें कि भाई ये एप्लीकेशन आपको कब तक मिलेगा, तो यहाँ पे भाई कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि 2019 के लास्ट में या फिर 2020 के शुरुआती जो है महीनों में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो भैया होप आप लोगों को ये न्यूज़ पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। तो दोस्तों डेट वॉज ऑल फ्रॉम द गीकी मॉन्क, थैंक यू।